हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फुल मून कल बीता है, तो हम देखेंगे आज मूनोलॉजी से कि आपके पार्टनर में क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर फुल मून, क्या एनर्जी चेंज हुई है, क्या स्विच आए हैं। कुछ लोग को नहीं पता कि फुल मून क्या होता है और टैरो में फुल मून का या रीडिंग में फुल मून का क्या मायने होता है। तो कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था सिर्फ ये पूछने के लिए कि मैम फुल मून में ऐसा क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ एक शॉर्ट नॉलेज के लिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि जैसे सन है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे फादर को, सन रिप्रेजेंट फादर एंड सन रिप्रेजेंट एक्शन, वैसे ही मून रिप्रेजेंट मदर एंड मून रिप्रेजेंट इमोशंस। ठीक, तो जब भी फुल मून आता है या न्यू मून आता है तो एनर्जी में स्विच होता है। किस एनर्जी में? हमारे इमोशंस में। और सिर्फ हमारे नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे धरती पे जितने भी लोग हैं उनके इमोशन में, अगर वो फुल मून के टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट हैं तो उस फुल मून के दिन बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे, बहुत ज़्यादा हाईली अपसेट होंगे। अगर फुल मून के पहले आप बहुत खुश हैं तो फुल मून के दिन आप ओवर हैप्पीनेस आपकी लाइफ में रहेगी। तो मून आपके इमोशंस को बढ़ाता है, जैसे कि चंद्रमा आधा रहता है फिर पूरा हो जाता है, तो वैसे ही अगर आप बहुत दुखी, थोड़े से दुखी हैं तो आप फुल मून के दिन बहुत ज़्यादा दुखी फील करेंगे। अगर आप फुल मून के पहले हैप्पी हैं तो आप फुल मून के दिन बहुत ज़्यादा खुशियाँ फील करेंगे। तो फुल मून आपके इमोशंस को बढ़ा देता है, ठीक है, अपनी फुल पावर में। वैसे ही जो सन होता है, जैसे सूर्य ग्रहण हुआ, तो उसमें क्या होता है कि आपके कुछ बड़े एक्शन आपके धरती पर होने लगते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ बड़े स्टेप्स इंसान लेता है, चाहे वो पॉजिटिव वे में ले, चाहे वो नेगेटिव वे में ले, चाहे कुछ अच्छा हो चाहे बुरा हो, बट भयंकर रूप से कुछ बड़ा होता है। तो सूर्य ग्रहण एक्शन को, सूर्य ग्रहण की बात नहीं कर रही मैं, सूर्य की बात कर रही हूँ। सूर्य जो है वो एक्शन को दिखाता है और मून जो है वो इमोशंस को दिखाता है। तो क्योंकि लव रीडिंग में इमोशंस के बहुत मायने होते हैं, इसलिए फुल मून जो होता है उस पर खास तरीके का इमोशंस हम पिक करते हैं थ्रू टैरो। सो शुरू करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए और उनके पार्टनर्स के लिए क्या एनर्जी है। मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी और मेरे लेफ्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी होगी हमेशा की तरह। आपके पार्टनर हमेशा ज़्यादा लेते हैं, आज मैं आपको ज़्यादा दूंगी। 1 2 3 4 नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ये कल भी आया था और आज भी आया है। मेरे व्यूवर्स बड़े चिल आउट मोड में हैं। 1 2 3 4 होल्ड योर विजन। आपके पार्टनर का मूड बहुत स्विंग हो रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा, अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशंस, अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार, अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रिगर। यहाँ पर आपके पार्टनर्स का मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इधर बीच आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको 2-3 दिन से हमेशा बोला है कि सामने से कांटेक्ट ना करें, सामने से कांटेक्ट ना करें, और आप में से कुछ लोगों ने गलती से ही सही कांटेक्ट किया और मुझे व्हाट्सएप पे आके आपने मैसेज किया है, आप में से कुछ लोगों ने, कि मैम आपने मना किया था बट मैंने किया और मैं ब्लॉक हो गया या हो गई। तो भले कलेक्टिव रीडिंग होती है बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने रीडिंग से आपको सतर्क करूं। अब आपने अगर बात नहीं मानी है तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बट गाइडेंस देना मेरा काम है, फॉलो करना आपका काम है। सो मैं यही प्रे करूंगी कि जल्द से जल्द आपको मैसेज आ जाए। सो देखते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, मेरे व्यूअर्स के साइड फर्स्ट कार्ड आया है। Don't let pride get in your way, full moon in Leo. A time to give rather than take, new moon in Virgo. Expect powerful change. Okay. आपके पार्टनर के साइड में आया है, You and your loved ones are safe, new moon in Cancer. You are good enough, full moon in Virgo. A time for healing. Okay. You are very close to achieving your goal. यहाँ पर जो major signs हैं वो हैं Cancer, Virgo,
अक्वेरियस एंड लियो, ठीक, मेजर साइन है यहाँ पर मोनोलॉजी से। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं और वो अब ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो। अब वो पहले की तरह चेजर एनर्जी में नहीं है, इवन आप में से कुछ लोग रनर एनर्जी में हैं। अब आप दूर जा रहे हैं, आप वेटिंग भले हैं, आप इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में अब वो वाली चेजिंग एनर्जी नहीं है। आप ये बस चाह रहे हैं कि ठीक है, जो होना अच्छे हो जाए, कम से कम आपको क्लैरिटी मिल जाए। और अब आप जानते हैं कि आप दोनों एक हैं और इस बात को आपने अब एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि आपको इस जर्नी के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है, कुछ लाइट वर्कर्स के द्वारा, टैरो रीडिंग्स के द्वारा, चाहे आपकी खुद की इंट्यूशन के द्वारा, चाहे यूनिवर्स के द्वारा, यूनिवर्स आपको खुद गाइड कर रही है। सो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी आपको हील रखें। लोअर वाइब्रेशन में भी ना जाएं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में भी ना रहें, ठीक है। ये आपकी, आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आपकी तरफ कुछ दिन के अंदर, इस फुल मून के बाद। आप में से कुछ लोगों को, जिनसे भी एनर्जी रेजोनेट करेगी, डेफिनेटली पावरफुल चेंज दिखेगा आपके पार्टनर के अंदर। जिनके भी पार्टनर ट्रांसफॉर्म हुए हैं उनको पावरफुल चेंज दिखेगा। आपके पार्टनर के साइड आया भी है अ टाइम फॉर हीलिंग, मतलब कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जैसे कि आप गुजरे हैं, या बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं खुद को, अपने कर्मास को। अपने हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के या उनकी फैमिली में किसी के, तो उनके लव्ड वन सेफ हैं, यहाँ पर ये भी गाइडेंस आ रही है। एंड आपके पार्टनर बहुत करीब हैं अपने गोल को अचीव करने में, तो ये भी गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आई है। सो मोनोलॉजी आपको यही गाइडेंस दे रहा है। लेट्स चेक कि करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर्स की। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। करंट एनर्जी मेजर अरकाना से मैं देख रही हूँ, प्लीज़ गाइड करें। फाइव कार्ड्स। ज़्यादातर लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उनके पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी। एम्परर, लवर का कार्ड है। लवर देखते ही मन करता है बस रख दूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं रख सकती। आना होगा तो खुद आ जाएगा। टावर आ गया। ओके, यहाँ पर एम्परर विद टावर आ चुका है। ऑब्वियसली फुल मून की एनर्जी है तो टावर तो आएगा ही। ये दोनों आ रहे हैं। हर्मिट, मैंने कहा आप में से आपके पार्टनर्स की एनर्जी हीलिंग की है, और यहाँ से हर्मिट का कार्ड आ गया विद टेम्परेंस। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। वन मोर कार्ड। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। वन मोर कार्ड। ओ द हाई प्रिस्टेस द फूल, ये मैं नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा है। दो आ गए तो मैं दोनों को ले रही हूँ। फुल मून के बाद यही एनर्जी एक्सपेक्टेड थी। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, टावर का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। लेट्स क्लैरिफाई। ऐसा लग रहा है मेजर अरकाना देख के कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ, जो भी थर्ड पार्टी हो, चाहे उनका काम हो, अफेक्ट हो रहा है, चाहे उनकी फैमिली लाइफ अफेक्ट हो रही है। अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आपको पता होगा अवेकनिंग के क्या मायने हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहा जाए तो, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिचुएशंस एक के बाद ख़राब हो रही हैं। या तो किसी तरह के लीगल सिचुएशन में हैं, या तो फैमिली लाइफ बर्बाद हो रही है, या तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटस बर्बाद हो रहा है, या तो इनका समाज में इमेज बर्बाद हो रहा है। टावर का कार्ड यहाँ आया है हाई प्रिस्टेस और हर्मिट के साथ, जो कि यही दिखा रहा है। आप एम्परर का कार्ड है, तो मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर पब्लिक इमेज हो सकते हैं, या सोसाइटी में नाम हो सकता है इनका। तो कुछ ना कुछ यहाँ इश्यूज़ दिख रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स का।
देखते हैं क्या एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को एंजल्स। एम्परर का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? एम्परर के लिए आए हैं हाई प्रिस्टेस, द चैरियट, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओ क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर एम्परर के बाद टावर आया था एंडिंग, और यहाँ पर भी एंडिंग आया है एम्परर के साथ। डिसीजन ले रहे हैं टू एंड समथिंग, कुछ ना कुछ ख़त्म करने का डिसीजन ले रहे हैं। और हाई प्रिस्टेस थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी तरह का मेजर लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट या एंडिंग दिख रही है यहाँ पर। टावर का कार्ड क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर्मिट। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में अगर ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में थे, अगर इनकी कोई बैड हैबिट्स थी, या इनके लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे, या इनके लाइफ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था, या किसी कार्मिक सिचुएशन में थे, तो यहाँ देखिए टावर के बाद हर्मिट आया है और यहाँ भी हर्मिट आया है। तो यहाँ अवेकनिंग से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, और डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक तरह से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं अपने लाइफ से, अपने सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ इनके कर्मा साइकिल थे जो ये क्लियर कर रहे हैं, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक क्लिंजिंग चालू है इधर। टावर के ठीक नीचे द फूल आया है, मतलब न्यू बिगनिंग। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर दिख रहा है कि या तो फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, या तो अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, या तो थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, या तो डिस्टेंस है इस वजह से स्टक हैं, वेटिंग एनर्जी में हैं, और ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हैं। ना किसी से बात करना, ना घूमना, ना फिरना, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं करंट एनर्जी में। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए यहाँ से भी द फूल आया है, और यहाँ से भी आया है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है या कोई बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर एंडिंग दिख रही है उसके साथ। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? फैमिली में से कोई भड़का रहा है इन्हें बहुत ज़्यादा, इनकी फैमिली में से। इनकी विश है आपकी तरफ बढ़ना। नाइन एंड टेन साथ में आया है, नाइन के बाद टेन, मतलब ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रही है, मैनिपुलेट कर रहा है, भड़काया जा रहा है, और आपके पार्टनर बैलेंस चाहते हैं, आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। द फूल का कार्ड क्यों आया है? न्यू बिगनिंग क्यों आया है? वाओ, न्यू बिगनिंग आया है, सक्सेस, अपनी पावर में आके सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एम्परर विद सक्सेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आप लोगों को। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस। हाई प्रिस्टेस यहाँ पर क्लियरली आया है, आपके पार्टनर का इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है कि आपको जस्टिस देना है। देखिए बॉटम से भी जस्टिस आया, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, राइट,
और यहाँ पर भी जस्टिस आया है हाई प्रिस्टेस के क्लैरिफिकेशन में। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है बात करना चाहते हैं आपसे, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को बहुत जल्द मैसेज रिसीव होगा, ज़्यादातर लोगों को रिसीव होगा। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मैं तो हमेशा टावर को देख के यही कहती हूँ कि अपने नसीब में तो टावर मोमेंट पहले से है, उससे ज़्यादा टावर मोमेंट क्या आएगा है कि नहीं यार, सही बात है कि नहीं? अगर होगी सही बात तो बताना कमेंट में, क्योंकि मैं इसलिए खुश हो जाती हूँ कि यार आप लोग पहले से सेपरेशन में हो, तो उससे ज़्यादा टावर मोमेंट क्या आना है। तो ऑब्वियसली ये टावर मोमेंट दूसरे के लाइफ में आना है, क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल मैं क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को लगता है कि क्लैरिफाई कर दो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और मुझे भी अच्छा लगता है क्लैरिफाई करना। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स। क्राउन चक्रा अवेयरनेस, इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, क्राउन चक्रा एंड अवेयरनेस, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। देखिए ये है क्राउन चक्रा एंड ये अवेयरनेस। इनके आगे काफ़ी चीज़ें इनके आँखों के सामने आ रही हैं एक एक करके। स्टैंड योर ग्राउंड, सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला कार्ड एंड नेक्स्ट सेवन सेवन। फर्म फाउंडेशन, डबल फोर डबल सेवन। हो सकता है आप में से कई लोगों को डबल फोर मतलब फोर 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 या सेवन 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 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो इस वक्त। यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड आई चक्रा क्राउन चक्रा आपके पार्टनर का इस वक्त एक्टिवेट है। जिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, दो में से एक सिचुएशन एंड होगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होते हुए दिख रही है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अवेयरनेस दिख रही है यहाँ पर, उनके आँखों के सामने जो पर्दा पड़ा था, जो पट्टी पड़ी थी, या जो मैनिपुलेशन हो रहा था जिसकी वजह से भी आपसे दूरियाँ बना रहे थे, डिस्टेंस बना रहे थे, यहाँ पर उनको क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। आपको खोना नहीं चाहते, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके साथ एक फर्म सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। कैसा फाउंडेशन? और अचीव भी करेंगे, फर्म फाउंडेशन विद फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये दोनों साथ में आया है। इसका मतलब है कि ये आपको खोना नहीं चाहते और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और मैरिज की कमिटमेंट आपको मिल सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। लेट्स क्लैरिफाई, स्टैंड योर ग्राउंड। लव बिगिंस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओ यही एक्सपेक्टेड था, यूनियन होता हुआ दिख रहा है। आप में से ज़्यादातर लोगों का यूनियन होगा गाइस, 110% आई एम डैम श्योर। नंबर आपके लिए सेवन इम्पॉर्टेंट है, सात से आठ दिन के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे। जिन्हें नहीं रिसीव होंगे, आठ हफ्ते भी लग सकते हैं अगर उनके पार्टनर की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो। लेकिन इतना श्योर है कि जो भी जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, 110% आपका यूनियन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, विद इन सेवन डेज, विद इन सेवन वीक्स कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है आपकी तरफ। सो ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ। नेक्स्ट एंजल गाइडेंस लेते हैं। कार्ड नंबर वन है अपॉर्चुनिटी, किसी तरह की सक्सेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, चाहे मटेरियल लाइफ में चाहे लव लाइफ में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको कभी किसी की ज़रूरत हो ज़रूर हेल्प लें, गाइडेंस लें। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बार बार कार्ड आ रहा है। अबंडेंस, पैसों की किसी तरह की आपकी लॉटरी लग सकती है, अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस या कहीं से पैसे मिल सकते हैं आपको। ओके, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें।
एंड लास्ट कार्ड है पीसफुल रिजोल्यूशन। हो सकता है अगर आप कपल हैं, मैरिड कपल हैं, तो आपका और आपके हस्बैंड के या आपके आपके वाइफ के बीच में मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है और बीच का कोई रास्ता निकल सकता है। टेक एक्शन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। एक्शन होता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैसेज है योर पेशेंस इज़ अनरियल। कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई इतना भी ज़्यादा पेशेंस और इतना ज़्यादा केयरिंग और इतना ज़्यादा लव करने वाला कैसा होता है। कई बार उन्हें डाउट होता है कि क्या आप सच्ची में उतना प्यार करते हो कि झूठी झूठी करते हो। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। आपके हर एक अदाएँ उन्हें बहुत ज़्यादा भाती हैं। यू आर सिंपली इररेजिस्टेबल। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं इनके इस वक्त, मैसेज से ही लग रहा है। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। हो सकता है उन्हें क्या पसंद है आपको उसमें आप उन्हें हमेशा सपोर्ट करते हो। यू आर द वन दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटिफुल स्टार्स। जब भी ये स्टार्स को देखते हैं आप पहले शख्स हो जो इनके दिल दिमाग में आते हैं। सिर्फ पहले और अंतिम ही हो। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। आप नहीं चाहते आप कि ये आपसे दूर जाएं। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे ये बात कही भी हो कि हम दोनों साथ में बुढ़े होंगे, साथ में दांत भी टूटेंगे। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। आपको हो सकता है कि इनकी कुछ बेकार सी आदतें भी बहुत प्यारी लगती हों, जो कि इन्हें लगता हो कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो आने वाले 7 डेज 8 डेज़ के अंदर तो ज़रूर मुझे याद करिएगा। वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।